हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपका दोस्त गौरव जी, हम आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 29 नवंबर 2022 की करंट अफेयर। तो 29 नवंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो सभी ने देख ली होगी और PDF को भी डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है? और सभी क्वेश्चन याद करके रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने भाइयों बहनों में, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके सभी बच्चे, ठीक है? और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगती है उसको बार बार लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है? और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे, बेल आइकन की घंटी भी बजा दें, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? देखिएगा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NCC का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 27 नवंबर को, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। हाल ही में अपने सभी ज़िलों में जियो 5G सेवाएँ प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ये बना है गुजरात, ठीक है? याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। हाल ही में द्विवार्षिक एयर शो एयर इंडिया 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, एयर शो एयर इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है? चल दिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। हाल ही में भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो कहाँ पर की है? अंडमान निकोबार में, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल अस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे बहुत, और आप कहीं भी खोजते फिर जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? राजस्थान में, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है। यह दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो किस राज्य को? तमिलनाडु, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू किया है? तो किसने किया? किस देश ने? कनाडा ने, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है 61, ठीक है? चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? PT उषा, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिएगा, हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? तो किसने जीता है? कनाडा ने, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में किसान हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है? ये किसान गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ आपको करना है, हाल ही में किसने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? नीतीश कुमार ने, ठीक है? ये कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है? याद रखना, चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो किसे होगी? तेलंगाना को, ठीक है? याद रखना, चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है? याद रखना, चलते रहिएगा। आज की वीडियो का 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में 59वीं ABU महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? भारत, ठीक है? देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के अरट्टापट्टी गाँव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किस राज्य के? तमिलनाडु के, ठीक है? याद रखना। 17वां क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? स्टेफनी फ्रैपट, ठीक है? देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गया? तो कौन बन गया? ऋतु गायकवाड़ ने, ठीक है? ये किसकी तरफ से खेल रहे थे? महाराष्ट्र की तरफ से, विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है? और इन्होंने यूपी की टीम के खिलाफ ये 7 छक्के लगाए हैं। यूपी की टीम का खिलाड़ी था शिवा सिंह, ठीक है? तो बल्कि इस मैच में यूपी की हार भी हो गई है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ
अच्छी तरीके से याद कर लेना, 7 छक्के मारने का रिकॉर्ड अभी तक बहुत ही कम खिलाड़ियों के पास, किसी के भी पास नहीं था बल्कि, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, पिछले 8 सालों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितनी, 83 मिलियन टन, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य ने शुरू किया है, तो किस राज्य ने शुरू किया है, बिहार, ठीक है, याद रखना। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिस भाई को PDF डाउनलोड करनी हो तो जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, और आराम से आप करते रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर करते ही रहें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सके। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।